जनगणमन नमः। दोस्तों, एक हफ्ता होने लगा, एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, कोई बर्खास्त भी नहीं हुआ। बीएसएफ अधिकारियों ने जो किया उसका जो तदन चल रहा है वो तो प्रहसन ही चल रहा है। ऐसा ही सिर्फ तेज बहादुर यादव को नहीं, हमें भी ऐसा ही लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री सर्वसुंदर मोदी जी, टीम इंडिया आपको पूछना चाहता है, जिस जादूबल में आप रातों रात 500 हजारों का नोट जो हमारा पॉकेट में था वो कागज का टुकड़ा बना दिया था, अब आपका जादू कहा गया। एक हफ्ता होने लगा, क्यों आप वो बीएसएफ अधिकारियों को बर्खास्त नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया? आपका मुंह से हर बात जो मधु निकाल आता है, सर्वसुंदर मोदी जी, जिसे हम वो देशवासियों को डायबिटीज होने लगा है, अभी शुगर होने लगा है, अभी आप अभी चुप्पी क्यों मार गया? सिर्फ अभी नहीं मोदी जी, ये देश का हर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चुप्पी मार गया। किसी का मुंह में कोई आवाज नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। देखो, ओ जे आंदोलन कर रहा है वेस्ट बंगाल पर, जो लाखों करोड़ का चीट फंड लूट हुआ, ओ जो एमपी जो घर घर में लड़का ढुकाने का बात करता है डट डट करने के लिए, उसको लेके भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका मुंह में भी आवाज नहीं है। और एक देखो, लेफ्ट फ्रंट को देखो, जो बातों बातों में बंद घोषित करता है, उसका मुंह में कोई आवाज नहीं है। और देखो, और राहुल जी को देखो, उसका मुंह में भी कोई आवाज नहीं है। कैसे आएगा? ब्रोफोस का मन से गोला निकल आएगा ना? बोला नहीं, हम ब्रोफोस को बोला नहीं। क्या क्या दुर्नीति होता है ये डिफेंस पर हमको मालूम है। वो जो कारगिल पे युद्ध हुआ था, 6 जवान शहीद हो गया था, उसका काफिन लेके भी आप करप्शन किया। वो शहीद को काफिन को भी आप पॉलिटिकल लीडरों छोड़ा नहीं, आप उस 20 जवानों को मुंह का खाना आप छीन रहे हो। ऐसा है ए तेज बहादुर सिंह दोस्त, थोड़ा तेज आपका, थोड़ा तेज हमें भी दे दो, आपका थोड़ा बहादुरी हमें भी दे दो। हम ये बहादुरी मिल जाए तो इस देश का 125 करोड़ जो आदमी है, एक एक करोड़ से एक एक भी मिल जाए तो 125 करोड़ से 125 भी आप जैसा मिल जाए तो ये देश का रुख ही बदल जाएगा। यस, बदले ही जाएगा। दोस्तों, देखो क्या क्या हो रहा है। देखो, एक जवान जिसका प्रोटेस्ट किया, जिसको प्रोटेस्ट होना ही चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था, बट कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। हे दोस्त तेज बहादुर सिंह, अरे
खाना क्या कम पड़ आए, उधर कश्मीर बॉर्डर पर खाना दाना नहीं मिल रहा है। हाँ, पाकिस्तान दाना नहीं भेज रहा है, गोली नहीं भेज रहा है, टेरोरिस्ट गोली नहीं भेज रहा है। अरे खा लेना दो गोलियां, हाँ सदियों के लिए फॉरएवर, खा लेना अपना भूख मिटा लेना। क्यों खाना खाना करते हो दोस्त, उधर पाकिस्तान गोली, पाकिस्तान का गोली और टेररिस्ट का गोली खा के अपना ये भूख मिटा लेना। ओ नेशनल फ्लैग चढ़ा दिया, बिछा दिया जाएगा आपका बॉडी पर। हाँ अरे कितना बड़ा सैल्यूट देंगे वो जो अधिकार के है ना, जिसको विरुद्ध आप प्रोटेस्ट किया, वो सब आपको सलामी ठोकेगा, थाउजेंड सलामी। हाँ जय हिंद ध्वनि उठेंगे, वंदे मातरम ध्वनि से वो आकाश बादल सब कांप उठेगा। आप शहीद कहलाएंगे जाएंगे, शहीद कहलाएंगे जाएंगे, शहीद। हाँ कैसा शहीद, ओ सब अधिकारी तब बोलेंगे, बोलेंगे तेज बहादुर का कितना तेज था, कितना बहादुरी से ये देश के लिए जान दे दिया। शहीद बना देंगे आपको, मार्टायर जो हो बनाते आ रहा है। अरे सच तो कहा आपका पत्नी ने, मेरा वो बहन वो सच कहा, भेजना नहीं उसको बेटा को ये डिफेंस पर। हाँ बहन आपको हजारों सैल्यूट, सातों सैल्यूट, लाखों सैल्यूट, करोड़ों सैल्यूट, आप सच कहा। अरे सच का जिंदगी, अरे ये जिंदगी दो दिन का जिंदगी होगा तो सर का जिंदगी होगा, लाखों दिन का नरक का जिंदगी नहीं जीना हमें। दो दिन का अमृत जिंदगी जीना है तो जी लूंगा, लाखों दिन का नरक ओ जहर जिंदगी नहीं जीना है हमें। बहना आप ऐसा ही सच का जिंदगी जीना है, दो दिन जियो तो ठीक है। तेज बहादुर सिंह आप भी ए सच का जिंदगी जियो, दो दिन जियो तो अमृत का जिंदगी मिलेगा, पॉइजन का और झाड़ का जिंदगी लाखों दिन का नहीं चाहिए। दोस्तों देखो उधर एक बड़ा भिखारी खाना है पार्लियामेंट के अंदर, जहां दोस्तों उस भिखारी खाना में जितनी प्राइस पे जो खाना मिलता है वो उतने प्राइस में ये देश का कोई ढाबा में नहीं मिलेगा, कोई होटल पे नहीं मिलेगा, जो उस कोई भिखारी खाना में भी नहीं मिलेगा इस देश का, कह रहा हूं दोस्त। ओ सांसद का जो कैंटीन है उधर, वो जो लाखों रुपया मायने लेते हैं, हजारों फैसिलिटी मिलते हैं, वो भिखारियों के लिए वो जो खाना उधर खुल रखा है कैंटीन, और हमारा सैनिक जवानों के लिए जिसको दो चार गोलियां तो हर रोज मिलता है, उसके लिए ये खाना खाना ये खाना मिलता है दोस्त। और वो भिखारो पार्लियामेंट पर कुछ भिखारो के लिए जोखाड़ो के लिए दोस्त, हम क्या कर सकते हैं, हम आम आदमी है, कॉमन मैन है, क्या कर सकते हैं, करना हम किया ना, एक चाय आला को प्रधानमंत्री बना दिया, हम चाय आला को प्रधानमंत्री बना दिया। हा हमारा गणतंत्र डेमोक्रेसी, हमारा संविधान हम लोगों को ऐसा ही पावर दिया जो एक चाय आले भी एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोस्त एक चाय आले प्रधानमंत्री बन के कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा, चाय आले कम पड़ गया क्या है देश में, हजारों लाखों चाय आले हैं, चूज कर लेंगे कोई एक और को बना लेंगे प्रधानमंत्री। अरे चाय आले कम पड़ गया तो क्या होगा, आला कम नहीं है, कपड़ा आला क्या कहते हैं काम वाला है, रिस्का वाला है, सब्जी वाला है, कोई एक को चूज कर लेंगे बना देंगे प्रधानमंत्री। ये गणतंत्र का पावर है, इस पावर को हम खुद ही अप्लाई करेंगे। दोस्त जब
एक जब एक शहीद हो जाता है ना, उसका 1, 2, 4, 5 लाख दे देता है और उसका मुंह बंद कर देता है। उसको जिसको खो जाता है, जिस बाप को उसका बेटा खो जाता है, जिस बेटा को उसका बाप खो जाता है, जिस बीवी का उसका सायर खो जाता है, उस फैमिली का मालूम पड़ता है वो क्या खो दिया। उसको थोड़ा रुपया देके उसका बोल दे जाता है कि तुम्हारा बेटा तो शहीद हो गया, ये देश का प्यारी हो गया दोस्त। ऐसा दोस्त, जिस जवानों का वो कश्मीर पर ड्यूटी मिलता है, पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी मिलता है, उसका फैमिली का रात में नींद भी नहीं आता। फोन का घंटा घंटी जो बजता है, उसका दिल का घंटे बजना शुरू हो जाता है। क्या खबर आएगा वहां से, वो पाकिस्तान का धाना, वो टेररिस्ट का गोली उसको प्यारी कर दिया क्या देश का। ऐसा ही वो हर वक्त उसका सोच इसमें पड़ा रहता है दोस्त। उसका खाना, उस जवान को खाना जो छीना, वो क्या मनुष्य कहने का लायक है। उस खाना छीन के थोड़ा पैसा लेके वो उसको फैमिली को, उसका बच्चा को उसको फैमिली को देता है। खेल खेल है, खेल है दोस्त। हम क्या इतना बुजदिल है, थोड़ा सा आवाज भी नहीं उठा सकेंगे इसके प्रोटेस्ट में दोस्त। अपने बारे में नहीं, आपको देश के बारे में नहीं, सिर्फ आपके बच्चों के बारे में सोचिए। सिर्फ वो जो बच्चे जो आज बड़ा हो रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, उसको दिमाग में क्या बैठ रहा है। हम दोस्त ये एक ऐसा समाज करना जहां पर वो जो धरती पे आ रहा है, एक फूल उसके लिए एक ऐसा दुनिया दे सके, जा कह सके तुम आ जाओ बच्चों, इस धरती पे, इस देश पे आ जाओ, तुम फूलो फलो जियो।